लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि शब्द एक अक्षर से भी बन सकते हैं, जैसे ए और आई, और दो अक्षरों वालों के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको प्राइज मिलेगा यदि आप 26 शब्द दो अक्षरों वाले बता दें। यदि आपने तैयार किए हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता सकता हूँ। जैसे हूँ की अंग्रेजी होती है एम, एक की अंग्रेजी होती है एन, जैसा जैसी जैसे की अंग्रेजी होती है एज, और पर की अंग्रेजी होती है एट। चार शब्द दो अक्षरों वाले ऐसे हुए। ऐसे ही होना की अंग्रेजी होती है बी, और द्वारा की अंग्रेजी होती है बाय। इस प्रकार से दो शब्द बी से मिल गए। ऐसे ही करना की अंग्रेजी होती है डू, जाना की अंग्रेजी होती है गो, और पुरुषवाचक वह की अंग्रेजी होती है ही। ऐसे ही आगे बढ़े तो हम कहेंगे आई से पांच शब्द हो सकते हैं, जैसे यदि की होती है अंग्रेजी इफ, और उससे पहले पहचान के लिए हम कहते हैं आप अपना आईडी प्रूफ लाए हो, यानी कि आईडी। ठीक इसी तरह से अंदर की अंग्रेजी होती है इन, और है की अंग्रेजी होती है इज, और बेजानदार चीज के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं इट। वह या यह इसका अर्थ होता है। इस प्रकार से पांच शब्द हुए आई से दो अक्षर वाले, और आगे आए तो मुझे की अंग्रेजी होती है मी, और मेरा की अंग्रेजी होती है माय। आप समझ गए होंगे कि कितनी सरल भाषा है, कितना सरल तरीका है। माँ के गर्भ से ये शब्द हम सुनते ही आए हैं। ऐसे ही नहीं की अंग्रेजी आप जानते ही हो कि आप नो कह देते हो झट से, और बताओ तो ओ से कौन से चार शब्द होंगे, तो आप कहोगे काकी के लिए ऑफ, ऊपर के लिए ऑन, या यह या वह यानी या के लिए और, और बैल के लिए ऑक्स। ठीक इसीलिए मैं कहना चाहता हूं तो इसीलिए की अंग्रेजी हुई सो। मुझको तुझको मुझे तुझे के लिए हम यूज करते हैं के लिए टू, और आप समझ गए होंगे कि ऊपर के लिए एक और अंग्रेजी होती है, वो होती है अप, और हमको के लिए होती है अस, और हम के लिए होती है वी। आप गिन के देखिए, आपको लगेगा कि आपको वास्तव में 26 अक्षर 26 शब्द मिल गए, और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ये 26 शब्द और 26 अंग्रेजी के वर्ड्स न मालूम हो। ऐसे ही अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए कि आप तीन अक्षर वाले शब्द ढूंढेंगे, तो उन शब्दों को ढूंढते समय आप ए से स्टार्ट होइए। जब आप ए से स्टार्ट हो रहे और आखिर शुरू में कल हमने बात की थी कि पहला वर्ड होगा एस, और आखिर में हम एक्स यानी कुल्हाड़ी से भी आगे जा सकते हैं। 20 वर्ड्स आपने कल से आज तक में ढूंढे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढे होंगे तो कल उस पर बात करेंगे।